सो गाइस फाइनली रेडमी 9 पावर डिवाइस में MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का अपडेट सभी रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट हो गया है। जिस अपडेट का वर्जन आप लोग को MIUI 13.0.1.0 का देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस ये अपडेट सभी यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट है। सो गाइस अभी तक जिन यूजर्स को देखने के लिए नहीं मिला है तो फाइनली उन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आप भी हैं Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली Redmi 9 पावर डिवाइस में MIUI 13.0.1.0 वर्जन का अपडेट सभी Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे फाइल से थोड़ा सा लंबा इसी वजह से देखने के लिए मिलता है क्योंकि आप लोग को दो अपडेट एक साथ में देखने के लिए मिलता है एंड दोनों मेजर अपडेट है। एंड गाइस आप लोग को मालूम होगा कि MIUI 13 के अपडेट में काफ़ी सारा एक्साइटिंग फीचर्स देखने के लिए मिला है। सो गाइस आप लोग को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिला है इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं। सो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को आप देख सकते हैं। सो अगर हम बात करें यार कि अपडेट के इंस्टॉल प्रोसेस के बारे में तो देखो यार अपडेट का फाइल साइज थोड़ा सा लंबा देखने के लिए मिला है। तो यार आपको क्या करना है ना कि आपको अपडेट को कंटिन्यू में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। अगर आप कंटिन्यू में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। कभी कभी कुछ यूजर्स क्या करते हैं ना कि अपडेट को डाउनलोड में लगाते हैं तो यार आधा डाउनलोड करते हैं उसके बाद किसी कारण बस वो अपडेट को पॉज कर देते हैं तो उसी क्रम में कुछ बग एंड इशू देखने के लिए मिल जाता है। सो अगर आप अपडेट को कंटिन्यू में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं क्या Redmi 9 पावर डिवाइस में MIUI 13.0.1.0 वर्जन का अपडेट जब सभी Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट है तो यार अभी तक सभी यूजर्स को देखने के लिए क्यों नहीं मिला है। तो देखो यार आप लोग को हम कई सारे वीडियो में बता चुके हैं कि जब अपडेट सभी यूजर्स के लिए भी मिलना स्टार्ट हो जाता है तो अपडेट उसमें से भी कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है एंड अपडेट अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइज इसी वजह से आप थोड़ा सा अलर्ट रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। सो गाइज कई सारे बैचेस में आप लोगों को भी अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप अपडेट को चेक करते रहेंगे तो यार आप जल्दी अपने डिवाइस में अपडेट को इंस्टॉल कर पाएंगे। नहीं तो अगर मान लो कि आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिला उसके बाद आप किसी कारण बस अपडेट को नहीं चेक किए तो वो थोड़ा देर में ना रोल बैक हो जाता है अपडेट, उसके बाद फिर आपको 1 या 2 दिन बाद अपडेट देखने के लिए मिलता है। सो इसी वजह से आप थोड़ा सा अलर्ट रखें, अपडेट को चेक करते हैं ना। वैसे यार जिन यूजर्स को अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है वो यार अप्रॉक्स 3 से 4 दिन का वेट कर ले, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सभी यूजर्स को अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस Redmi 9 पावर डिवाइस में फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट होगा तो यार आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे नई वीडियो के जरिए। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।